के अंदर मचा आग थे। तू खुद को बहुत बड़ी तोप समझता है ना। देख दुनिया ने तेरी बैंड बजा दी, ते घर तक नहीं रहा तेरे पास। सबको खुद से नीचे समझता था, नीचे गिरा गई दुनिया तुझे और तू कुछ नहीं कर पाया। तेरा घर तक छीन लिया, अरे सब कुछ छीन लिया तुझे और तू कुछ नहीं कर पाया। अरे तू जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। You're a dead man. सिकंदर साहब कहाँ हैं? साहब ने अपने आप को नीचे वाले कमरे में बंद कर लिया है। सिकंदर, सिकंदर दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो मेरे बेटे। तुम्हें मेरी कसम है बेटे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सिकंदर, कुछ नहीं करोगे। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है बेटे, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। ना ड्राइवर फोन उठा रहा है, ना मम्मी फोन उठा रही है, क्या बेवकूफी है ये? तुम्हारी कोई बात हुई? मैं परेशानी में उनके पीछे गई थी मगर वो निकल गई। फिर थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, सब कुछ ठीक था। मेरी समझ से बाहर है, लोग फोन क्यों नहीं उठाते हैं? हेलो मम्मी, कहाँ हैं आप? कब से फोन कर रहा हूं? क्या अफान, क्या बात हुई, क्या हुआ? सिकंदर भाई ने खुद को गोली मार ली है। He's critical. Hey,
क्या हुआ आयरिश? तुम इतनी परेशान क्यों हो? इस घर में तो हमेशा से यही होता है, आज जहां तुम खड़ी हो कल इस जगह पर मैं खड़ी थी, मेरी भी आंखों में ऐसे ही आंसू थे। अगर मेरी फिक्र किसी को नहीं थी, सबको इस घर के बड़े बेटे की पड़ी थी। तुमने देखा चाची जान कैसे तड़प कर गई हैं उसके पीछे? वो बचे ना बचे, मगर तुम्हारे लिए ये सोचने का वक्त है कि तुम्हारे इस रिश्ते में क्या बचा। मुझे यकीन है उसे कुछ नहीं होगा, इतने लोगों का साथ जो है उसके साथ, तुम समेत। हरीश, मैं नहीं जानती तुमने उस दिन क्या देखा क्या सुना, मगर वो तुम्हारे और बाकी कई लड़कियों की तरह मुझे भी फोन करके परेशान करता है। हकीकत बस इतनी सी है और कुछ नहीं। तुम जो समझना चाहो वो समझ सकती हो, मगर यहां पर बात मेरे और सिकंदर की नहीं हो रही, तुम्हारे और अफान की हो रही है, उस इंसान की हो रही है जिसने तुमसे तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त को छीना है। इस माहौल में मेरे खिलाफ किसी के कान भरने की कोशिश मत करना, तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। मेरे पूछे बगैर ही तुमने सब कुछ कह दिया, मेरे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ही अंदाज चीख चीख कर कह रहा है कि तुम कितनी डरी हुई हो। मेरी बात खत्म हो चुकी है, तुम जा सकती हो, मुझे आराम करना। अरे जिंदगी में एक बार तुम मुझसे प्यार से बात कर ले, आपकी की औलाद हूं मैं, आप ही के वजूद का एक हिस्सा, और आपसे बात करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत थोड़ी है। कैसे कर दिया उसे इतना तनाव, मेरे सामने जान लेने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं कर सकी बच्चे। प्लीज आप संभालें खुद को, एक एक का नाम देके माफी मांगो, बचा लो उसे बेटे, बचा लो। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, खतरे की कोई बात नहीं है। कैसा फील कर रहे हैं सिकंदर साहब? क्यों बचाया मुझे आपने? मर जाने दिया होता आप शायद जानते नहीं हैं मैं कौन हूं। मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। हौसला कीजिए सिकंदर साहब, बाहर आपकी वालदा आपके खैरियत की खबर की मुंतजिर है। अपना नहीं तो अपनी वालदा का ख्याल करें। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स।
अफवान साहब जरा प्लीज आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो बात करनी है मेरे सामने कीजिएगा, मैं माँ हूँ सिकंदर की। देखिए वो तो अल्लाह का करना था कि उनका निशाना चूक गया, वरना गोली सीधी दिल में लगती। काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं। देखिए मुझे आपके आपसी मामलात का तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन ऐसा शख्स बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करता है। मेरा मशवरा है कि उनका खास ख्याल रखें। वैसे आप थोड़ी देर के बाद उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तुम घर जाओ बेटे, वो दोनों अकेली हैं, मैं हूं यहां सिकंदर के पास। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम बहुत बड़े दिल वाले हो बेटा, इसीलिए मुझे मत करके तुमसे पहली दफा कुछ मांगना चाहती हूँ।